नमस्ते फ्रेंड्स, हीरा रंगोली आर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एक वेडिंग के लिए रंगोली देखने वाले हो। ऑलरेडी आपने यहाँ पर एक रंगोली आप देख रहे हो। ये रंगोली हमने एक दिन पहले मतलब कल ही बनाई थी और रंगोली बस वैसे की वैसे ही रंगोली है, लेकिन हमें यहाँ पर चेंजेस कुछ करने हैं, इसीलिए ये रंगोली हम पूरी हटाने वाले हैं। लेकिन लास्ट वाले मतलब ये जो वीडियो हम बना रहे थे उस वक्त हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स है, तो ये ब्लॉक्स भरने के लिए यही रंगोली हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको बस ये आप कह सकते हो कि जैसे गोबर होता है, गोबर जैसा प्लेन करते हैं, बस वैसे ही आपको यहाँ पर प्लेन करना है ताकि आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट बेस के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो शुंकल है ये कुछ ऊपर नीचे नज़र आ रही है। अगर आप अंदर डिज़ाइन देखेंगे तो ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो बस यही कुछ चीज़ें होते हैं, जितने ज़्यादा आप वर्क करते हैं उतना बाय डिफ़ॉल्ट आप ये सीख पाएंगे। आई एम श्योर आपको ये डिटेल जो हम सिखाते हैं आपको ये काफ़ी अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। एक बेहतरीन रंगोली हार्ट शेप के लिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। अभी सुबह के 7:20 ही हुए और ऑल द वे ट्रैवलिंग कर मैं यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी अच्छा और बहुत ही बेहतरीन माहौल यहाँ पर है। रंगोली हम ये बना रहे हैं पुणे में बावदन, यहाँ पर मराठा मंदिर इस नाम से ये प्लेस है और सच में ही काफ़ी बढ़िया और बहुत ही अच्छी जगह, एक वेडिंग के लिए परफेक्ट वेन्यू हो सकता है। अगर आप कहीं बाहर से हो लोकल, अगर पुणे में लाइक लड़का या लड़की है तो ये काफ़ी अच्छा मेन्यू हो सकता है। आई एम श्योर आपको ये रंगोली काफ़ी अच्छी लगेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिए। आप बस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब रंगोली से बाहर अभी हमने ये निकाला था। बाकी अगर आप देखते हो तो ये जो ब्लॉक्स है ये काफ़ी हद तक काफ़ी प्लेन और परफेक्ट है। मैं चाह रहा था कि सभी ये बस कपड़े से ही उसको प्लेन करो, लेकिन उतना वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो ब्लॉक्स है ये ब्लॉक्स काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर प्लेन किए हैं। अभी आगे जो वीडियो आप देखने वाले, रंगोली काफ़ी क्रिएटिव होने ही वाली है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इस क्रिएशन में हार्ट शेप बनाना यही सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ऐसे आप कह सकते हो। उसी के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया है, उसके अंदर अभी हम नाम लिखने वाले हैं। हार्ट शेप जब भी आप ये बना रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन आप दिखाइए कि हमने किस तरह से किया है। इस तरह से कलर शेडिंग आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी ज़रूर सीख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस जुड़ी जानकारी के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना चाहिए। व्हाट्सअप नंबर है +91 अगर आप इंडिया के बाहर से हो 8983623472। बाकी अभी ये रंगोली कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है। बहुत ही कम समय में आप ये काफ़ी आराम से ज़रूर कर सकते हो। नीचे आउटलाइन हमने तो कुछ भी नहीं की है, तो पहले आपको आउटलाइन करना चाहिए। आउटलाइन होने के बाद काफ़ी आराम से आप कोई भी चीज़ ज़रूर कर पाएंगे, इसीलिए आउटलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे वैसे देखा जाए तो राउंड कलर का कुछ आपका आउटलाइन नज़र आ रही है, बट स्टिल कुछ अलग शेप यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो ही जो आपने देखा मतलब लास्ट रंगोली ही यहाँ पर राउंड शेप थे, तो कुछ अलग शेप यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए बस अलग शेप यहाँ पर बनाने वाले हैं। आई एम श्योर आपको भी ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा ज़रूर लग रही होगी। फ्रेंड्स, अभी आप कह सकते हो कि 70% यहाँ पर काम हो चुका है। शायद से आपको ये 90% ही लग सकता है, लेकिन डिज़ाइन और कुछ अलग अलग क्रिएशन यहाँ पर करना बाकी है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही रंगोली रखते तो उतनी अच्छी नज़र नहीं आती है। बहुत ही कम जगह पर मतलब कलर कॉम्बिनेशन अगर आपका काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं डिज़ाइन तो आनी ही चाहिए।
बेसिक के बाद हर एक लेवल में कुछ अलग अलग डिज़ाइन के बारे में हम बताते ही है कि एक रंगोली अगर आप बना रहे हो तो उसमें कितना पोर्शन ऑफ अमाउंट आपकी रंगोली होनी चाहिए, वाइट रंगोली होनी चाहिए या फिर डिज़ाइन होना चाहिए। आप यहाँ पर ज़रूर देखिए, काफ़ी अलग अलग जगह पर हम ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। हम चाहे तो बस यहाँ पर ये जो कॉर्नर पीस आप देख रहे हो यहाँ पर हम कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर इस जगह पर भी हम कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। काफ़ी अलग अलग जगह होती है, मतलब यहाँ पर भी आप काफ़ी आराम से बना सकते हो, या फिर नीचे हम यहाँ पर बस राइटिंग में कुछ लिखने वाले हैं। आई एम श्योर आपको ये डिज़ाइन और क्रिएशन काफ़ी अच्छा ज़रूर नज़र आ सकता है। ऐसे ही एक डिज़ाइन हम बस कॉर्नर के यहाँ पर भी निकालने वाले हैं, तो ये पूरी रंगोली काफ़ी अच्छी ज़रूर हो सकती है, लेकिन डिज़ाइन इतनी बड़ी वहाँ पर नहीं निकालेंगे क्योंकि स्पेस भी उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। बस छोटे से डिज़ाइन वहाँ पर हो गए, लेकिन ये बस कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। और नीचे हम लेटरिन करने वाले हैं और बस यहाँ पर रंगोली एंडिंग होने वाली है। आई एम श्योर आपको रंगोली काफ़ी अच्छी ज़रूर लगी होगी। इस तरह से डिज़ाइन आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी ज़रूर सीख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस जुड़ी जानकारी के लिए व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आप हीरा रंगोली आज के साथ अभी मेहंदी और पोर्ट्रेट रंगोली भी सीख सकते हो, वो भी ऑनलाइन। बस आपको बहुत ही कम वक्त देना है, जैसे कि 24 घंटे में आपको एक घंटा ही अगर मैक्सिमम अगर आप देते हो, हर एवरीडे मतलब अगर आप देते हो, तो भी आपकी रंगोली आप बेहतरीन ज़रूर बना पाएंगे। मेहंदी भी बस उतना ही समय आपको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सिखाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी लोग सीख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रंगोली वो सीख रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया रंगोली ज़रूर आपको नज़र आ रही होगी। अब रंगोली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय हमें यहाँ पर नहीं लगा है, बहुत ही कम समय में ये रंगोली हमने कंप्लीट की है। आई थिंक बस 20 या 30 मिनट में ही रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। कलर कॉम्बिनेशन अगर आपका काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट है, तो आपको रंगोली बनाने के लिए वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। इस तरह के डिज़ाइन, फ्री हैंड डिज़ाइन, लेटरिंग, कलर कॉम्बिनेशन, आप सभी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से ज़रूर सीख सकते हो। रंगोली अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस रंगोली में सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लग रहा है। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक नया पैटर्न आपको क्या देखना पसंद करेंगे आप, क्या मतलब क्या चीज़ें आपके लिए क्या अपलोड कर सकते हैं। बस जो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए होती है वो चीज़ें अपलोड नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर कुछ नया क्रिएशन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, उस बारे में हम आपको ज़रूर कुछ अलग अलग चीज़ें अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको बस कमेंट करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, स्टेटस पे रखिए, ताकि काफ़ी लोग ये इस तरह के रंगोली काफ़ी आराम से देख पाए। और एक फेस्टिवल के लिए कोई रंगोली बनानी है, कोई वेडिंग सीज़न है, या कोई भी मतलब घर के लिए कोई भी अगर कुछ चीज़ है, तो उनके लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ है, अलग अलग कंटेंट्स ये काफ़ी आराम से यहाँ पर देख पाएंगे और सीख पाएंगे। इरा रंगोली आर्ट्स और परिवार की तरफ से भक्ति और मनीष, ये दोनों को उनके नए
जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखने के लिए। ऑनलाइन क्लास और बाकी जुड़ी जानकारी के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप नंबर +91 8983 62 3472। थैंक यू, टेक केयर।